This is Shweb Slim and you are watching my YouTube channel Computer Learning Corner। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाई अबाउट माय लेटेस्ट लेक्चर। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर टुडे लेक्चर विच इज़ ऑन मेमोरी आर स्टोरेज डिवाइसेस पार्ट टू। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, या फिर उसे हम जैसे स्टोरेज डिवाइसेस का भी नाम देते हैं और कंप्यूटर मेमोरी का भी हम इसको कंसर्न करते हैं। तो इस लेक्चर के ख़त्म होने तक हम डिस्कस करेंगे, हम इसमें कवर अप कर चुके होंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, के कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है और कंप्यूटर कैसी होती है, इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है उनकी कितनी कैपेसिटीज़ होती है, कितनी रेंज की स्टोरेज हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी की फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया था और उस वीडियो लेक्चर का मैं आपको लिंक आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो कंसर्न कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरी की सेकेंड कैटेगरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर सिस्टम होते क्या हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ इट्स सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें ये आता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो आप लोग परचेज करते हैं, वो जब आप लोग परचेज करने लगते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। एक तो आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उसके अंदर किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है, उसके अंदर आपने किस पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ करना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने किस लेवल तक के उससे डाटा सेलेक्ट करना है, किस लेवल का डाटा उससे परफॉर्म कराना है। तो आप तब जाकर कंप्यूटर हार्डवेयर को सिलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, ताकि वो आपके नीड्स के ऊपर पूरा पूरा उतर सके। ये हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसको हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड किया। आपके पास आ जाता है इनपुट यूनिट का, और सेकंड पोर्शन आपका आता है प्रोसेसिंग, थर्ड पोर्शन आता है आउटपुट यूनिट, और इस टोटल ब्लॉक डायग्राम को हम नाम देते हैं IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल का नाम देते हैं। ये कंप्यूटर की एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसे हम कंप्यूटर की डेफिनेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और हमने अपने कंप्यूटर फॉर बिगनर के फर्स्ट लेक्चर में इसी ब्लॉक डायग्राम से कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशंस कंस्ट्रक्ट की थी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर से रेलिवेंट जो भी चीज़ है उसको हमने जब कंप्यूटर के अंदर सेव करना होता है, और सेव किस लिए किया जाता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम चाहते हैं कि इन नियर फ्यूचर, कल परसों या किसी और दिन जब हमें फिर से ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी टाइम ऑन ए सिंगल क्लिक उसे फिर से रिव्यू कर सकें, और वो रिव्यू उस टाइम पॉसिबल होगा जब आपने कंप्यूटर के अंदर अपना वो डाटा पहले से सेव किया हुआ होगा। और कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा सेव करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में सेव करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी डिजिटल लैंग्वेज को करता है, और डिजिटल लैंग्वेज को हम 01 लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। इट इज अ स्टोरिंग डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरिंग डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स का डाटा, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने CPU से जो भी काम लेना होता है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है। दिस स्टोरेज इनेबल्स अस टू यूज द स्टोर डाटा इन टू द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के अंदर अगर हमने कोई भी डाटा फिर से रिव्यू करना है, फिर से रिटेन करना है, देखना है, किसी और को दिखाना है, रिव्यू कराना है, तो जब तक वो हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव नहीं होगा तो हम उसको फिर से दोबारा इन फ्यूचर नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की एक डायग्राम है जिसमें कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट प्राइमरी मेमोरी और उसकी कैटेगरीज, आज का जो लेक्चर है वो हमारा इस सेकंड पार्ट से रिलेटेड है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को आगे मज़ीद तीन ब्रांचेस में डिस्टिंग्विश किया गया। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास HDD है, HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव।
सीडी डीवीडी है, कंपैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं इसे। इसके अलावा पेन ड्राइव भी है। कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि हमने अभी देखा है, कंप्यूटर मेमोरी दो कैटेगरीज की होती है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम मैग्नेटिक मेमोरी का भी नाम देते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ हम स्टोर करते हैं, उसका कोई ना कोई एक यूनिट होता है। जैसे हमारे पास, अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो हम उसको या तो केजी में लेते हैं या फिर लीटर्स में लेते हैं, यानी उसको मापने का एक स्केल होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को भी इसी तरह मैयर करने का एक स्केल होता है। तो कंप्यूटर को मैयर करने का एक स्केल जहाँ से स्टार्ट होता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी का बाइट्स कहलाता है। यानी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। यानी जो हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं, वो बाइट्स में स्टोर किया जाता है। 1 byte इज इक्वल टू 8 इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर कॉल्ड बिट्स। यानी 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1 bit कैन स्टोर, 1 bit के अंदर या तो हम 0 को स्टोर कर सकेंगे, 1 को स्टोर कर सकेंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है। डिजिटल लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज का भी नाम देते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो 2 नंबर्स पे मुश्तमिल होती है, और उसको हम कहते हैं 0 लैंग्वेज या 1 लैंग्वेज 0 1 लैंग्वेज भी कहते हैं। और 1 bit रिप्रेजेंट करती है, या तो वो 0 होगी या फिर 1 होगी। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं, ये आपको ब्लॉक डायग्राम में सामने दिखाया गया है। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका यूनिट्स हैं, फिर उसके बाद सिंबल, फिर इक्वल टू, यानी 1 byte इज़ इक्वल टू 8 bits। किलो बाइट उससे बड़ा यूनिट है, यानी 1024 byte मिलकर 1 KB बनाते हैं। इसी तरह मेगा बाइट, जिसको हम MB से शो करते हैं, तो 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं। इसी तरह गीगाबाइट है, टेराबाइट, पीटाबाइट, एग्जाबाइट, जीटाबाइट एंड योटाबाइट। इसी तरह ये हिरारी की हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते आते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर टुडे लेक्चर, विच इज़ मेनली ऑन सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज़ अनदर एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम कम अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा मेमोरी का होता है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को हर टाइम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक छोटी सी स्टोरेज कैपेसिटी रखती है, जिसके अंदर हमारा डाटा नॉट इनफ टाइम हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें कंप्यूटर मेमोरी को इन्हेंस करना पड़ता है। एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो, जिसके अंदर हम मल्टीपल अमाउंट ऑफ डाटा एट द सेम टाइम स्टोर कर सकें। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम बल्क स्टोरेज और मास स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स या डाटा या अदर इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का डाटा, चाहे वो आपके पास ऑडियो फॉर्मेट है, म्यूजिकल डाटा है, वीडियो फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंटल फॉर्मेट है, PDF है, या फिर इमेजेस है, किसी भी टाइप का डाटा आप कंप्यूटर के अंदर इन्हें बल्क अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। और वो किस मेमोरी में सेव करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में। इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी देन द मेन मेमोरी। और हमारे पास में हमने मेमोरी को हमने नाम दिया था प्राइमरी मेमोरी का। रिटेन्स इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड ऑन इट। जब हम किसी अपनी सेकेंडरी मेमोरी की एक डिवाइस के अंदर कोई डाटा सेव करते हैं, तो किसी भी टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से वो डाटा फिर से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक बेसिक फंक्शन है। मैग्नेटिक मेमोरी यानी सेकेंडरी में हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, कंपैक्ट डिस्क CD जिसे हम नाम देते हैं, पेन ड्राइव होती है, मेमोरी डिफरेंट टाइप के मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जैसे 2 GB कार्ड होता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, अप टू सो ऑन। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क।
तो मैग्नेटिक डिस्क एक, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो एक डिस्क की शेप में होती है, जिसके ऊपर हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम स्टोर करते हैं उसके अंदर। सो यही होता है कि आपके पास मैग्नेटिक डिस्क कम्स इन वेरियस साइजेस एंड मटेरियल्स, और जो हम डाटा मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के ज़रिए हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ए डिस्क पैक नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्क माउंटेड ऑन ए सेंट्रल शॉफिट, क्योंकि जो हमारी डिस्क होती है उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे वो फिक्स की जाती है, उसे हम सेंट्रल शॉफिट का नाम देते हैं। वो सेंट्रल शॉफिट 7200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो 7200 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती है, ये उसकी स्पीड है। इसके अलावा जो हमारे पास वो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके ऊपर डिफरेंट सर्कुलर ट्रैक बने होते हैं, उन सर्कुलर ट्रैक को हम नाम देते हैं कॉल्ड एज ट्रैक्स, और हर ट्रैक को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम हर एक पार्ट को नाम देते हैं सेक्टर्स का। अब मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, क्योंकि ये एक सेकेंडरी मेमोरी की एक टाइप है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बल्क अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो हम जो डाटा एक प्रीवियस फाइल को फिर से रिव्यू करके ओपन करेंगे और उसके ऊपर हम कोई डाटा एडिट करेंगे, तो वो प्रीवियस फाइल को रिमूव भी कर देगा और न्यू फाइल हमारी कंस्ट्रक्ट भी कर देगा। आपको मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क कैसी होती है। ये आपके पास एक मैग्नेटिक डिस्क की एग्जाम्पल है, जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है कि ट्रैक, सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए ट्रैक और क्लस्टर, जहाँ पे ए पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर पाथ आपके पास एक ट्रैक कहलाता है। अब इस ट्रैक के अंदर जब हम मल्टीपल पोर्शंस बना देते हैं तो ईच पोर्शन इज़ नोन एज सेक्टर, और इसी तरह जो आपके पास सी पार्ट है वो सेक्टर ऑफ ए ट्रैक है, यानी किसी भी ट्रैक का एक सिंगल सेक्टर आपका शो कर रहा है, और बी पार्ट आपका एक कंप्लीट सेक्टर को, पोर्शन को शो कर रहा है, और डी पार्ट आपका एक क्लस्टर को शो करता है, यानी रेलिवेंट सेक्टर जब आपस में कंबाइन किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्लस्टर। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम मैग्नेटिक डिस्क की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस कर रहे हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, फर्स्ट इज हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ये दो आपके पास डायग्राम में दिखाई गई हैं, लेफ्ट साइड पे आपकी हार्ड डिस्क है और राइट साइड पे आपकी फ्लॉपी डिस्क है। ये दो मेन कैटेगरीज हैं मैग्नेटिक डिस्क की, यानी इन्हीं दोनों कैटेगरीज के अंदर भी हम वो मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ टू स्टोर बल्क अमाउंट ऑफ डाटा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम हार्ड डिस्क के अबाउट। ये एक वेल नोन चीज़ है जिसे आजकल हर छोटा बड़ा बच्चा भी जानता है कि हार्ड डिस्क क्यों यूज़ की जाती है, फॉर द स्टोरेज पर्पज़, और इसके अंदर कंप्लीट, इसके अंदर हम काफ़ी सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉमन फिजिकल डिवाइस है स्टोरेज फाइल्स के लिए। इसके अलावा कंटेन सेवरल रोटेटिंग डिस्क प्लेट्स, सेवरल रोटेटिंग डिस्क प्लेट्स इसलिए कंटेन करती है क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक स्टोरेज स्पेस देती है, और एक डिस्क के ऊपर, दो डिस्क के ऊपर, तीन डिस्क, इस तरह सेवरल डिस्क ये कंटेन करती है जो हमारा बल्क अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंट तौर पे स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क के ऊपर हम रीड भी कर सकते हैं डाटा, राइट भी कर सकते हैं, यानी कोई भी डाटा हम न्यूली वहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, वहाँ से रिव्यू भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क के अंदर जब सेवरल रोटेटिंग डिस्क होती है तो इनकी रेवोल्यूशंस पर मिनट स्पीड भी वही होती है जो मैग्नेटिक डिस्क की होती है, 7200। ये कितनी रेंज की इसकी मेमोरी होती है, हमारे पास 260 GB से लेकर 1000 GB, जिसे हम 1 TB का भी नाम देते हैं, ये इसकी रेंज होती है। आजकल इससे भी ज़्यादा रेंज की हार्ड डिस्क मार्केट में पाई जाती हैं। द सर्फेस ऑफ ए प्लेट इज ऑर्गेनाइज एंड हैज़ ए नंबर ऑफ कंक्रीटिक ट्रैक्स, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इंटू सेक्टर्स, हर ट्रैक को हम सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और सेट ऑफ मैच ट्रैक्स आर कॉल्ड सिलेंडर्स। आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क की, जिसके अंदर आप स्पिंडल है,
सेव्ड फाइल है, एक्यूरेटर है, फ्रंट, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं हार्ड डिस्क के, जो ये शो करते हैं कि हार्ड डिस्क की कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाती है, हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क कैसे पाई जाती है और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क, सिंगल मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, सेवरल मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर यूज़ की जाती है फॉर द स्टोरेज पर्पज़, टू इन्हेंस इट्स कैपेसिटी टू स्टोर मल्टीपल अमाउंट ऑफ डाटा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ पर शो ऑफ कराई गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक सिंगल फ्लैट पीस ऑफ सर्कुलर प्लेट कंटेन करती है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल प्लेट्स होती हैं इसलिए वो बल्क अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन एज कंपेयर टू दैट फ्लॉपी डिस्क एक सिंगल फ्लैट पीस ऑफ सर्कुलर प्लेट कंटेन करती है दैट इज इनक्लोज्ड इन प्लास्टिक कवर, जो उसको प्लास्टिक कवर के अंदर डाला जाता है। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी देखा था कि फ्लॉपी डिस्क को हम एक प्लास्टिक कवर के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर स्मॉल एंड पोर्टेबल, ये छोटे साइज़ की होते हैं, और पोर्टेबल यानी ईजी टू कैरी, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या होता है, 3.5 डायमीटर, 5.25 डायमीटर और एंड 8 डायमीटर साइज़ की ये पाई जाती हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला इसका साइज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का, वो 3.5 डायमीटर का होता है, और उसकी मेमोरी रेंज होती है आपके पास 1.44 MB, ये उसकी मेमोरी रेंज होती है। फ्लॉपी डिस्क की स्पीड हार्ड डिस्क के लिहाज से स्लो होती है और इसकी कैपेसिटी भी हार्ड डिस्क के लिहाज से कम होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसकी मेमोरी भी कम होती है और इसकी स्पीड भी हार्ड डिस्क के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, इसलिए इसकी कीमत भी हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत कम हो पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कैसी नज़र आती है। ये आपके पास एक फ्लॉपी डिस्क है जिसको इसके अंदर हमने फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क को एक प्लास्टिक कवर के अंदर इनक्लोज किया जाता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। ये आपके पास कुछ फ्लॉपी डिस्क की एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पर शो ऑफ कराई जा रही हैं। ये आपके पास सामने एक फ्लॉपी डिस्क है जो इस जिसको हम प्लास्टिक कवर के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। ये इसका एक्चुअल साइज़ है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, 3.5, और ये 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क। ये भी एक डिस्क टाइप की होती है, लेकिन ये ऑप्टिकल टाइप की होती है। ऑप्टिकल टाइप कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम स्टोरेज के लिए डाटा डालते हैं तो वो इन ए वे ऑफ यूजिंग लेज़र बीम, यानी एक लेज़र के ज़रिए हम इसके अंदर डाटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग डिस्क, इसके अंदर भी वो डिस्क होती है, जब उसके अंदर डाटा कोई भी राइट किया जाता है, रीड किया जाता है, तो वो रोटेट करती रहती है ऑन ए सेंट्रल शाफ्ट, विच इज़ कोटेड विद हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा, जब हम किसी भी ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो उस डाटा स्टोर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, बर्निंग डाटा भी कहा जाता है उसे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, बीडी रोम, ये तीन कैटेगरीज हैं। सीडी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी रोम स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड बीडी रोम स्टैंड फॉर ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास कुछ ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप सामने देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डिस्क हैं, इन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क का नाम देते हैं। और ये आपके पास ऑप्टिकल डिस्क की तीन कैटेगरीज हैं, जिनमें सीडी है, ये सेकंड डीवीडी है, और ये थर्ड आपके पास ब्लू रे डिस्क यानी लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। फर्स्ट कैटेगरी के अबाउट हम डिस्कस करते हैं कि सीडी रोम होती क्या है। ये सामने आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि सीडी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, ये आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होने वाली एक गैजेट है, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज़ की जाती है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसे नाम दिया जाता है, इसके अंदर हम
682 MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में कुछ ज़्यादा स्पीड की होती है, लेकिन हार्ड डिस्क के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। सीडी रोम को चलाने के लिए जो हमें एक डिवाइस ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं सीडी रोम ड्राइव। सीडी टेक्नोलॉजी यूजेज ए नियर इंफ्रारेड लेज़र, यानी इंफ्रारेड लेज़र से मिलती जुलती लाइट टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी इसमें डाटा को राइट करती है और वहाँ से रीड करती है। हमारे पास सीडी रोम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है सीडीआर, सेकंड है सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर कैटेगरी होती है हमारे रिकॉर्डेबल सीडी, सीडीआरडब्ल्यू कैटेगरी होती है हमारे पास री राइटेबल सीडी, यानी उसको हम फिर से एडिट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास डीवीडी, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी डिस्क के अंदर हम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये सिंगल साइड भी होती है, ये डबल साइडेड भी होती है, इसलिए हम इसे टू लेयर्स ऑन ईच साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर हम वीडियो, ऑडियो या किसी भी टाइप का डाटा 17 GB तक की होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डबल लेयर की हमारे पास डीवीडी होती है, उसके ऊपर 17 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और डाटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, डाटा कैन बी योर ऑडियो टाइप, वीडियो टाइप और एनी अदर टाइप। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज़ ए रेड लेज़र टेक्नोलॉजी फॉर द स्टोरेज पर्पज़, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग डाटा, टू राइट द डाटा, टू रीड द डाटा फ्रॉम डीवीडी। डीवीडी भी हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास होती है डीवीडीआर, सेकंड कैटेगरी होती है डीवीडीआरडब्ल्यू। डीवीडीआर स्टैंड फॉर डीवीडी रिकॉर्डेबल एंड डीवीडीआरडब्ल्यू स्टैंड फॉर डीवीडी री राइटेबल, यानी जिसको हम फिर से री राइट कर सकें, एडिट कर सकें। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास ब्लू रे डिस्क, जिसे हम बी डी रोम भी कहते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम नीचे ब्लू रे डिस्क की भी शो की गई है। एज़ कम्पेयर टू सी डी और डी वी डी, ब्लू रे डिस्क आपके पास 25 GB से 50 GB तक की कैपेसिटी रखती है, जिसके अंदर आप HD टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और किसी और टाइप की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर स्टोर की जा सकती है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हम रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी होती है आपके पास ब्लू वायलेट कलर लेज़र टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस टू रीड डाटा स्टोर्ड ऑन दैट ब्लू रे डिस्क। अब आया हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे हम PSD का भी नाम देते हैं, कि एक्सिस स्टोरेज डिवाइसेस, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा स्टोर करके इजी टू कैरी दूसरी जगह पे प्लेस कर सकें, वो हमारे पास होते हैं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे आपके पास यहाँ पे डायग्राम में भी शो ऑफ है, हमारे पास USB ड्राइव है, हमारे पास मेमोरी कार्ड रीडर है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज गैजेट्स हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आपके पास शो ऑफ की गई है, जिसके ऊपर सैमसंग लिखा हुआ है। हमारे पास ये 256 GB, 320 GB, 500 GB और 1 TB तक की भी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ये रखती हैं, जो हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर स्टोरेज डिवाइसेज आर मेमोरी डिवाइसेज लेक्चर बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दैट्स इट। Thank you very much for watching my video. Allah Hafiz.